आप जब साड़ी का व्यापार करने की सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम असली मैन्युफैक्चरर को कैसे ढूंढें। दूसरा सवाल, एक ऐसा कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर जहां पे सब प्रोडक्ट ई की जगह मिल जाए। ये दो सवाल सबसे पहले मन में आते हैं, तो मैं आज आपको इन दोनों सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राकेश अग्रवाल आमंत्रित करता हूं आपको बिजनेस की बातों में आज के एक रोचक भरे एपिसोड में। असली मैन्युफैक्चरर दिखता कैसा है, कहां मिलेगा? आप वीडियो पे उन्हें ढूंढते हैं और वीडियो पे ही कहीं ना कहीं आप असली मैन्युफैक्चरर के नाम नंबर नोट करते हैं। आज डायरी पेन आप मेंटेन करते हैं, मैंने डायरी पे ही एक वीडियो भी बनाया था पहले। आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख भी सकते हैं डायरी की स्ट्रेटेजी, कैसे डायरी मेंटेन की जाती है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप आसानी से ढूंढ सकते हैं असली मैन्युफैक्चरर को। तो पहली ट्रिक है, आप जब भी वीडियो देख करके असली मैन्युफैक्चरर के नाम नंबर नोट करते हैं और आप जब कॉल करते हैं, मोस्टली फोन पे एम्प्लॉय ही होते हैं हर जगह, कोई भी ऑनर फोन पे नहीं होते हैं, उनके एम्प्लॉय को आप कहिए कि जो वीडियो में दिखते हैं वो ऑनर से हमें बात करनी है। अगर वो बात करवा देते हैं तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वो व्यापारी अच्छे हैं, उनको आपके साथ भी व्यापार करने का इंटरेस्ट है, तो आप उस जगह पे उनके साथ जुड़ सकते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती है, चलते हैं दूसरी ट्रिक पे। क्योंकि कॉल पे तो आप पूरी तरह से भरोसा कर नहीं सकते। जब आप उस व्यापारी के यहाँ जाते हैं, उसके एड्रेस पे जाते हैं, तो व्यापारी खुद तो मिलते नहीं है, उनके एम्प्लॉय आपको गाइड करती है, अपने प्रोडक्ट दिखाती है, तो आप कहीं ना कहीं वो जो सेल्स टीम होती है, जो उनके एम्प्लॉय होती है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे आपके ऑनर से मिलना है जो वीडियो में आती हैं, मुझे उनके साथ एक फोटो खिंचवानी है, सेल्फी लेनी है। अगर वो एम्प्लॉय आसानी से या अच्छे तरीके से आपको ऑनर के साथ मिलवा देता है या समय दे देता है ऑनर के साथ, तो आप समझ जाइए कि ऑनर को भी कहीं ना कहीं व्यापारियों की कद्र है, वो भी व्यापारी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहना चाहता है। तो आपकी ये दूसरी ट्रिक है, ये एक अच्छे मैन्युफैक्चरर को ढूंढने की सबसे अच्छी ट्रिक है। तो इस ट्रिक पे आप सबसे ज्यादा फोकस करें, जो ऑनर है उनके साथ अगर आपकी मुलाकात होती है, वो आपको समय देते हैं, तो इससे बढ़िया और इससे अच्छा मैन्युफैक्चरर आज पूरे सूरत में कोई भी नहीं है। अगर आपको ऑनर ही नहीं मिलता है तो आप समझ जाइए ऑनर को आपकी कोई कदर नहीं है, वो आपके साथ कोई लंबे समय तक जुड़ना नहीं चाहता है, वो आपको उस बकरी की तरह हलाल करना चाहता है कि आप एक बार आए हैं और आपको अच्छे से मतलब हलाल किया जाए, आपसे जितना ज्यादा कमा सकता है वो एक ही बार कमा ले। तो ये दूसरी ट्रिक जो है, इस पे आपको फोकस खासकर करना है। ये ट्रिक काफी अच्छी है अच्छे मैन्युफैक्चरर को ढूंढने के लिए। तो कुल मिला के आपको जो चेक करने वाली चीजें होती है, उसके अंदर में आप एम्प्लॉय का व्यवहार, जो वहां का मालिक है ऑनर है, उनका स्वभाव, ये सब आपको चेक करना है, वहां पे मिलने वाले प्रोडक्ट। असली मैन्युफैक्चर के चक्कर में आपको अपना समय या अपनी सूझबूझ खराब नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी असली मैन्युफैक्चर सिंगल पीस नहीं बेचता या सिंगल सेट नहीं बेचता। आज आप YouTube वीडियो पे देखते हैं, एक पीस लहंगा ले लो, तो क्या कोई भी असली मैन्युफैक्चर एक पीस बेचना चाहता है? उसे क्या जरूरत है एक पीस बेचने की? क्या उनके पास काम नहीं है या उनका माल नहीं बिकता है जो आपको एक एक पीस बेचेगा? तो कोई भी असली मैन्युफैक्चर एक पीस माल नहीं बेचता ना, वो YouTube वीडियो पे आता है, उसके पास खुद इतने काम होते हैं कि वो जहां पे काम कर रहा होता है वहीं से वो निकल नहीं पाता है, तो एक एक पीस के लिए आपके पास क्यों आएगा? आज 90% YouTube पे जो भी व्यापारी है वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर है ही नहीं, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करते भी है तो कुछ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप सोचते हैं कि एक मैन्युफैक्चर सारा चीज दे सके, तो ऐसा होता ही नहीं है, ये चीज संभव है ही नहीं। तो अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि कोई ऐसा मैन्युफैक्चर जो एक ही जगह पे सब कुछ दे सके, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ये इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि हर एक चीज बनाना खुद के बस की बात नहीं है। आज कोई भी एक कैटेगरी हम बनाते हैं साड़ी में, जैसे सिल्क साड़ी हम खुद की बनाते हैं, तो एक प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर में ही काफी लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। दूसरे प्रोसेस करने जाए तो उसके पीछे भी लंबे चौड़े इन्वेस्टमेंट है। आज करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद एक मिल एक फैक्ट्री चालू होती है, तो आज हम कितनी फैक्ट्रियां लगाएंगे, कितनी मिलें लगाएंगे? आज हर एक आइटम हम आपको नहीं दे सकते, कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जो सूरत में बनती नहीं है, लेकिन यहाँ जो यूट्यूब पे आते हैं वो ये भी बोलते हैं कि हम भी वो बनाते हैं। आज साड़ी के साथ पेटीकोट बिकता है, आज वो भी बोलते हैं हम सूरत में बनाते हैं, तो क्या आपको पता है पेटीकोट सूरत में बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, पेटीकोट कहीं और बनता है, लेकिन यहाँ के जो यूट्यूब पे आके बोलते हैं व्यापारी हम बनाते हैं, तो गलत बनते हैं, गुमराह करते हैं आपको। उनकी सोच एक ही बात पर डिपेंड करती है कि एक बार व्यापारी आना चाहिए,
और एक बार बकरे की तरह हमने उन्हें काट लिया तो हमारे लिए वो काफी है, हमें दोबारा तो वो चाहिए नहीं। और ज्यादातर YouTube पर देखकर आने वाले व्यापारियों के साथ ऐसा ही होता है, व्यापारी एक ही बार में उन्हें ऐसा गर्दन काटते हैं कि वो फिर दोबारा आने के लायक नहीं होते, ज्यादातर केस में उनका व्यापार भी बंद हो जाता है। तो आपको एक अच्छा और सच्चा मैन्युफैक्चरर ढूंढना है, ना कि असली और नकली के चक्कर में पड़ना है। और एक जगह सब कुछ मिल सके ऐसा मैन्युफैक्चरर होता ही नहीं है, लिमिटेड आइटमों में ही लोग काम कर पाते हैं, लिमिटेड आइटम ही अपनी प्रोडक्ट की वो बना पाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर सब चीज एक जगह आपको वो देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करते हैं अपने सिस्टर कंसर्न से, या अदरवाइज वो कहीं से भी ट्रेडिंग करके आपको देते हैं कि ग्राहक आया है तो एक जगह पे सब कुछ हम दे सके उनको। तो कैसे लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद है इस जानकारी को आप फॉलो करेंगे, आप कभी भी असली और नकली या एक जगह सब कुछ मिल सके इसके चक्कर में ना पड़े। आप सामने अच्छा व्यापारी देखें, अच्छे रेट मिलते हैं वो देखें और वहां से आप व्यापार करें, वहां का व्यापार आपका लंबा चलेगा और सेट भी होगा। ऐसे एपिसोड आपको आगे भी मिलते रहे, इसके लिए आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट नहीं आते तो मुझे भी लगता है कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जो आपको ये दिशा दिखा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं व्यर्थ ही जा रही है। तो आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।